बांकामरपुर थाना क्षेत्र के मेनमा गांव से गुरुवार को गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक खेत में काम कर रहे 55 वर्षीय किसान को अपराधियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, जबकि वहां मौजूद उसके दूसरे साथी पर भी हत्या करने की नीयत से फायरिंग की गई, पर वो जख्मी हो गया, जिसके बाद उसे भागलपुर मायागंज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। मृतक किसान की पहचान मेनमा गांव निवासी बालेश्वर दास के रूप में हुई है, जो अपने ही पोखर से खेत का पटवन कर रहा था। वहीं गंभीर रूप से जख्मी दूसरे साथी की पहचान बधवा गांव निवासी विकास दास के रूप में की गई है। इधर मृतक की पत्नी साबो देवी ने बताया कि मेरे पति सुबह शौच करने की बात कहकर घर से गए थे, जिसके कुछ देर बाद पोखर की दिशा से गोली की तड़तड़ाहट की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही वो अन्य ग्रामीणों के साथ दौड़कर खेत पहुंची तो पति का शव मृत अवस्था में खेत में गिरा पाया। मामले को लेकर थाना अध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि मेनमा गांव में गोली चलने से 55 वर्षीय किसान की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया गया है और साइबर टीम की मदद से घटना की छानबीन की जा रही है। अपराधी जल्द कानून के गिरफ्त में होंगे। केस लानी तेरा पति जो बाबू कैसे हो लाई पगरी पर ये लो जो जा रहा फिर लग रहा बाद अब मना है देखना जी कहो कौन है क्या बजे नहीं ऐलो रहा हूँ घर से अरे 8 बजे लो 8 बजे आए खाना हाँ भी अभी जा रहा फिर ऐलो ने वो किधर से विवाद हो चला नहीं किधर से विवाद ना जो क्या कुछ ले भाई ने 4 भाई जा पेट बेटा ने तीन को दो बेटी तीन बेटा जाओ एक किस ले नाम बेटा के भागवत दास बरका जगह मंजला ज्योति दास अरु मंजला ज्योति दास जगह अरु चटका राष्ट्रपति कुमार बेटी की नाम बेटी सुमन कुमारी अरु एक तो तारा कुमारी वाल ना बोले एक रोज इबाद भी मिल रहा हूँ ना कौन चिके पोखर है पुरंदा पोखर जगह भागलपुर में ठंड का सितम लगातार जारी है। सुबह से शाम तक सूर्य देव का दर्शन दुर्लभ हो गया है। शाम होते ही तेज हवा चलने लगती है, जिससे शीतलहर का प्रकोप बढ़ जाता है। गुरुवार के दिन भी सुबह से ही कोहरा छाया रहा, जबकि हवा की दिशा बदली, पछुआ रुकी तो ठंड भी कमी, हल्का सा ब्रेक लगा और उत्तरी हवा कम गति से चलने लगी। आसमान में बादल छाने और हवा चलने के बाद मौसम के मिजाज में अचानक से बदलाव आएगा। वहीं बुधवार को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उत्तरी हवा चल रही थी और अधिकतम तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भागलपुर में सेंट जोसेफ स्कूल की एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के प्रयास मामले में सेंट जोसेफ स्कूल के प्राचार्य अमल राज की परेशानी बढ़ती जा रही है। नाथनगर थाने की पुलिस ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी अंतर्गत पालम गांव स्थित उसके आवास पर इश्तिहार चिपका दिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बता दें कि स्कूल के ही 2 शिक्षकों ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था, जिसके बाद दोनों आरोपी शिक्षकों को पुलिस ने घटना के एक दिन बाद ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। वहीं आरोपी शिक्षक को सह देने, केस में पुलिस का सहयोग नहीं करने एवं CCTV फुटेज नहीं देने के आरोप में पुलिस ने प्राचार्य पर केस दर्ज किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 357वें प्रकाश पर्व पर तख्त श्री हरमिंदर जी परिसर पटना साहिब में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब में मत्था टेका और राज्य के सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों से आए जत्थेदारों एवं श्री हरमिंदर जी प्रबंधक कमेटी के सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री का स्वागत तलवार, अंगवस्त्र, सरोफा एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर किया गया।
इसके बाद मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारा बाल लीला मैनी संगत जाकर भी मत्था टेका। मौके पर वित्त वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, जल संसाधन सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पटना साहिब के अध्यक्ष सरदार जगजोत सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ, सचिव श्री अनुपम कुमार, पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह सहित अन्य वरीय पदाधिकारी, सिख संगत, सेवादार एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्ने लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर के सबौर में गुरुवार को युवा राजद प्रखंड अध्यक्ष प्रशांत कुमार यादव की अध्यक्षता में राजद कार्यालय फतेहपुर सबौर में एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान युवा राजद सबौर प्रखंड कार्यकारिणी एवं पंचायत अध्यक्ष को प्रमाण पत्र दिया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में RJD के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव ने शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि आज के समय में सभी युवाओं की भागीदारी राजनीति में होनी चाहिए। बिहार के यूथ को उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के कदमों से कदम मिलाकर चलने की जरूरत है। हमारे युवा राजद के सभी साथी ग्राम चौपाल लगाकर तेजस्वी प्रसाद यादव के किए गए कार्यों को बताने एवं केंद्र में बैठी सामंती भाजपा सरकार की जनविरोधी नीति का पर्दाफाश करने का कार्य करेंगे। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष सबौर सुमंत यादव, सिकंदर, बीरू कुमार यादव, मोहम्मद साहबुद्दीन सहित युवा राजद के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे।